तो ये जंग होगी और मैं अपना उसका रोल अदा करूंगा ताकि ये दोबारा लेबर की सीट बने। सबसे ज्यादा जो ईवल होता है वो गुर्बत होती है। आपकी साहबजादी ने परी की सीट से इलेक्शन लड़ा। मैं बहुत प्राउड हूँ कि मेरी बेटी ने वहाँ इलेक्शन लड़ा और बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन लड़ा। कि मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों को बंद कर रहे हैं, पुलिस स्टाफ को इन्होंने कम किया है। हमारे ग्रेटर मैनचेस्टर के अंदर 2000 से ज़्यादा पुलिस कम किए गए हैं। तो हमें चाहिए इसमें अपना रोल सही अदा करें कि बच्चों को सही टाइम दें, उनको इनक्रेजमेंट दें, उनके इंटरेस्ट को बढ़ाएँ। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अब थोड़ा सा मैं लोकल पॉलिटिक्स के बारे में आपसे, एक तो आपकी साहबजादी ने बरी की सीट से इलेक्शन लड़ा और बहुत ही कम मार्जिन था, जीत और हार बस वो एक आप मुकद्दर की बात कह लें क्योंकि 100,000 वो वोट काउंट था। तो अभी फिर वही सीट कंजर्वेटिव के पास चली गई है और अभी मार्जिन फिर क्लोज है, लेकिन वो मार्जिन आप ही कवर कर सकते थे, तो आपने दोबारा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्यों नहीं टच किया? पहली बात तो ये है कि मैं बहुत प्राउड हूँ कि मेरी बेटी ने वहाँ इलेक्शन लड़ा और बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन लड़ा और बहुत क्लोज था, बहुत क्लोज। लेकिन पॉइंट ये है जी कि ये उसकी ज़िंदगी का मसला था, उसने उस वक्त अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इन्वॉल्व किया, फिर उसने समझा कि उसकी ज़िंदगी के नुक्ता नज़र से बेहतर है कि पॉलिटिक्स से बाहर अपनी ज़िंदगी को सही सेट कर ले और अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चले। तो ये उसका चॉइस है। एज अ फादर मैं प्राउड हूँ, चाहे वो पॉलिटिक्स में करे या दूसरी तरह अपनी जिद करे, वो प्रोफेशन वकील है, वो अपनी ज़िंदगी लेके आगे चल रही है। जो बात असल है वो ये है कि बरी सीट जो है, बरी नॉर्थ की पर्टिकुलरली, ये एक मार्जिनल सीट है, ये शुरू से ही मार्जिनल रही है। कभी लेबर के पास आ जाती है, कभी कंजर्वेटिव के पास आ जाती है। इस वक्त जो है वो कंजर्वेटिव के पास है और बहुत मार्जिन के, स्मॉल मार्जिन के पास है। तो मुझे यकीन है कि जब इलेक्शन के ड्रम्स बजेंगे तो वहाँ पे पूरी बैटल होगी, कोशिश होगी और मैं अपना रोल उसमें अदा करूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारी कम्युनिटी के मफाद में ये है कि हमारी जो हुकूमत है अगली जो है वो लेबर होनी चाहिए और जो कंजर्वेटिव हुकूमत है इसका खात्मा होना चाहिए। इसने शुरू से पहले तो हमारे साथ कभी भी सही सलूक नहीं किया। अभी हम पहले बात कर रहे थे इमिग्रेशन लोग के, हमेशा इन्होंने इसको आड़ लिया है और इसको सख्ती की है। जब मिल्क की खुद ज़रूरत है वो दूसरी तरफ है। जो डिस्क्रिमिनेशन है ये बहुत बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लम है, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम है। इस्लामोफोबिया इस वक्त अरूज पे चल रहा है, बरतानिया के अंदर भी और यूरोप के अंदर भी। और मैं APPG ब्रिटिश मुस्लिम्स का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, उस पर भी हमने कई साल पहले लगा के इसको डेफिनेशन लेके आए, इसका खात्मा होने के लिए डेफिनेशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम मेजरमेंट कर सकें। उस पर भी हमें नज़र आता है कि ये वाहिद जमात है जिसने आज तक इस डेफिनेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, बाकी तमाम सियासी जमातों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। और हद ये है कि स्कॉटिश कंजर्वेटिव पार्टी ने भी एक्सेप्ट कर लिया हुआ है, लेकिन ये इंग्लैंड के अंदर कंजर्वेटिव पार्टी है जो मेन पार्टी है, जो हुकूमत की पार्टी है, जिनका फ़र्ज बनता है कि जहाँ नाइंसाफ़ी हो, जुल्म हो रहा हो उसको ख़त्म किया जाए। उनके अपने होम ऑफिस के फिगर्स कह रहे हैं कि इस वक्त डिस्क्रिमिनेशन के जो कानून है, जो जुर्म है, वो सबसे ज़्यादा मुसलमानों के खिलाफ हो रहे हैं। मोर देन हाफ के जुर्म जो है मुसलमानों के खिलाफ हो रहे हैं। ये सब कुछ होते हुए इनके पार्टी के अंदर खुद अभी रिपोर्ट इन्होंने जो की थी, जो सिंह साहब ने लिखी थी, उसमें कहा गया था कि कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेसिज्म है, इस्लामोफोबिया है, उसके बावजूद यही आड़ बने हुए हैं, रुकावट बने हुए हैं। तो हम कैसे इनको टॉलरेट करें, कैसे हम अपने वोट से इनको मजबूत करें? तो ये जंग होगी और मैं अपना उसका रोल अदा करूँगा ताकि ये दोबारा लेबर की सीट बने। जैसे अभी कंजर्वेटिव ने चंद सीटें यहाँ से मार्जिन से जीती हैं, बिल्कुल नैरो सा मार्जिन है, तो एज अ स्टॉलवर्ड ऑफ लेबर आप सारों को ओवरसी कर रहे हैं कि वो जो स्मॉल मार्जिन हैं नेक्स्ट इलेक्शंस में लेबर कवर कर जाए? जी, मैं मुख्तलिफ लेवल पे मुख्तलिफ रोल हैं मेरे। एक तो मैं शैडो जस्टिस मिनिस्टर हूँ, पार्टी के नुक्ता नज़र में फ्रंट बेंच पे हूँ, और दूसरा जो है मैं लेबर मुस्लिम नेटवर्क, एक नेशनल हमारी तंजीम है जो लेबर पार्टी के अंदर मुसलमानों के मफाद के नुक्ते नज़र को रखते हुए काम करते हैं, मैं उसका पार्लियामेंट्री चेयर हूँ। तो हम पूरे मुल्क पे इस नज़रिए से चीज़ को देखते हैं
और इसमें हम अपने बहन भाइयों के मफाद पे नज़र रखते हैं, इसीलिए हमने खुद लेबर पार्टी के अंदर जो इस्लामोफोबिया का मसाइल हैं उसको भी हमने सामने लेके आए, बकायदा रिपोर्ट लेके आए। लेकिन जो मेन फंडामेंटल पॉइंट है वो यही है कि हमारी पार्टी ने इस चीज़ को माना, उसको चेंज करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस भी चेंज किए और इस डेफिनेशन को एक्सेप्ट करने में काम किया, लेकिन हमें कंजर्टी में चीज़ नज़र नहीं आया। तो हम इस लिहाज से हर जगह पे काम करते हैं और आगे भी करेंगे। जब इलेक्शन आएंगे जहाँ टारगेट सीट्स होंगी उसमें एज अ लेबर मुस्लिम नेटवर्क जो है हम अपना रोल इसमें अदा करेंगे ताकि वी हैव अ लेबर गवर्नमेंट आ सके। दूसरा, एक रीसेंट डेज में आपने देखा कि क्राइम रेट पहले मैनचेस्टर का इतना ज्यादा नहीं था, जो रीसेंट डेज में एक वेव सी आई है उसमें क्राइम रेट की जो है तनासब वो काफी ऊपर चला गया। उसके लिए आपने कोई पार्लियामेंट में कोई आवाज या कोई लॉ कोई इस तरह का के थोड़ी सी टाइटन करें मैनचेस्टर की सिचुएशन? जी, हमारी जो पोजीशन पार्टी के अंदर पहले भी रही है वो बड़ा फेमस सेंटेंस है हमारा जो आया था, वो ये था कि टफ ऑन द क्राइम एंड टफ ऑन द कॉजेज ऑफ क्राइम। तो इस पॉइंट को सामने रखते हुए फिर देखना पड़ता है कि क्या बुनियादी पॉइंट है, कॉजेज क्या है, कॉजेज को निशानदेही करना और उसको फिर हल करना ये बहुत ज़रूरी है। तो इसमें वो कॉजेज का पॉइंट व्यू ये है कि सबसे ज़्यादा जो ईवल होता है वो गुर्बत होती है। गुर्बत जब बढ़ती है तो उसमें फिर इसका इम्पैक्ट जो होता है माशरे के हर हिस्से में आता है और इंक्लूडिंग क्राइम में भी चीज़ आती है। और हमने अभी देखा कि पेंडेमिक के बाद भी जो लॉकडाउन हुआ, फाइनेंशियल इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट है वो बढ़ा, तो इस चीज़ से भी मसले बढ़ रहे हैं। इसके साथ में दूसरी बात जो होती है वो होती ये है कि इन्फोर्समेंट जो होती है, तो आपकी इन्फोर्समेंट कैसे जा रही है? अगर आपकी इन्फोर्समेंट मजबूत नहीं है तो ये वो जस्टिस सिस्टम है जिसका मैं कह रहा हूँ कि मैं खुद इसका शैडो मिनिस्टर हूँ, उसमें भी प्रॉब्लम है। तो इस जस्टिस सिस्टम को पे आप जब नज़र डालेंगे तो ये चीज़ सामने आ जाती है कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो आप देखें कि यूथ जो होते हैं, यूथ सर्विसेज जो हैं, पिछले 10-12 साल कंजर्वेटिव टोरी पार्टी की में कट इतने लगाए हुए हैं कि वर्चुअली यूथ सर्विसेज वाइप आउट हो चुकी हैं। जब आप जवान लोगों को जिनके पास इतनी एनर्जी होती है उनको किसी सही तरीके पर नहीं लगाएंगे तो वो एनर्जी फिर गलत रास्ते पर इस्तेमाल होगी, तो उससे फिर इम्पेक्ट होगा। फिर आप जस्टिस सिस्टम को आगे लेके जाएं अपॉर्चुनिटीज की तरफ, अगेन आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट का मसला बन रही है, यंग पीपल में हमारे जो लोग पर्टिकुलरली हैं उनकी मोर देन नेशनल डबल हो रहा है, तो इसका भी इम्पेक्ट हम पे है। और ये डिस्क्रिमिनेशन की भी बात कनेक्ट होती है, तो ये मसले भी हैं। फिर आपको इन्फोर्समेंट में आगे बढ़ाएं तो पुलिस की तरफ देखें, तो उसमें भी फिर आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों को बंद कर रहे हैं, पुलिस स्टाफ को इन्होंने कम किया है। हमारे ग्रेटर मैनचेस्टर के अंदर 2000 से ज़्यादा पुलिस कम किए गए हैं, तो उसका भी नॉक ऑन इफेक्ट है कि प्रेशर जो है बढ़ रहा है, नंबर जो है कम हो रहे हैं। आप अदालती निज़ाम की तरफ जाएं, उसमें भी आपने देखा कि किस तरह इन्होंने लीगल एड को कट किया, पिछले 15-20 साल से कोई इंक्रीज वहाँ पे नहीं हुई बल्कि उसको श्रिंक किया गया, रिड्यूस किया है। बहुत से इलाके हैं जहाँ आपको लीगल एड सोलिसिटर ही नहीं बनेगा। वो जो इंसाफ का तकाजा है, यहाँ एडवर्सेरियल सिस्टम होता है कि दोनों मैदान में आते हैं तो वो पहलवान बराबर के होने चाहिए, उसमें सामने कमी आ रही है कि जो डिफेंस के हैं वो अगर पूरे नहीं हैं तो वो फिर इंसाफ में भी कमी आती है। बैकलॉग को आप देखें कोर्ट्स में, फिर आपको नजर आ रहा है 50,000 से ज्यादा केसेस हैं जो बैकलॉग में स्टक हुए हैं। आगे बढ़ते जाएं आप प्रिजन की तरफ, वहां पे भी प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, ज्यादा लोग प्रिजन के अंदर भी हैं। तो पूरे सिस्टम को आप देख रहे हैं कि किस तरह लॉग इन ब्लॉक हो रहा है और इसमें इंसाफ नहीं मिल रहा, तो ये वो वजह है जिसमें फिर क्राइम बढ़ता है। बिल्कुल। अभी आपका एक यंग जनरेशन के लिए क्या मैसेज होगा कि वो पॉलिटिक्स या एजुकेशन या किस चीज़ पे ज़्यादा कंसंट्रेट करें जब वो यूके में आते हैं? जी, तो मेरा मैसेज तो बहुत सिंपल है जी, कि पहला पॉइंट तो है कि मैं खुद उनके लिए एक एग्जांपल हूँ, रोल मॉडल है आप बिल्कुल, कि मैं यहाँ जब आया तो मेरे पॉकेट में एक पाउंड नहीं था। जब मैंने स्कूल छोड़ा मैंने कोई इम्तिहान पास नहीं किए थे, लेकिन उसके बाद मैंने मेहनत की और मैं फिर पढ़ा, फिर मैंने और मेहनत की तो काम में आगे बढ़ा। तो इस वक्त मैं अल्हम्दुलिल्लाह
मैंने लॉर्ड मेयर ऑफ मैनचेस्टर रहा, मैं मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट में रहा, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, यूरोपियन पार्लियामेंट में फ्रंट बेंच पे था, मैं शहर नहीं, मैं उस वक्त वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट था सिक्योरिटी डिफेंस पूरे यूरोप का। अब यहाँ पे मैंने इमिग्रेशन किया, फॉरन ऑफिस में किया, शैरो डेप्टी लीडर रहा, शैरो जस्टिस मिनिस्टर इस वक्त हूँ। तो अगर ये सब चीज़ें मैं कर सकता हूँ तो कोई वजह नहीं है कि हमारे जो यंग बच्चे हैं ये नहीं कर सकते। यही हमारे फ्यूचर हैं। तो हमें चाहिए इसमें अपना रोल सही अदा करें कि बच्चों को सही टाइम दें, उनको इनक्रेजमेंट दें, उनके इंटरेस्ट को बढ़ाएँ, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ बढ़ाएँ। ये पैदा नहीं होता, ये दुआ मांग देना कि मोहम्मद बिन कासिम एक और होना चाहिए, ये ऐसे नहीं है। हमें मोहम्मद बिन कासिम पैदा करने हैं, तो उसमें वो डेवलप करना उनको, ये हम सबका रोल है, ये काम हमें करने की ज़रूरत है। और जो यंग बच्चे हैं उनके तरफ यही मैसेज है कि लुक, एम हाई करें, वर्क हार्ड करें, आप इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। तो ये बात कभी ना भूलें कि जो ऊपर वाला हाथ है वो नीचे वाले हाथ से बेहतर है। तो इसमें हमें अपने हाथ को ऊपर करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एज अ कम्युनिटी, एज अ लीडरशिप, एज पेरेंट्स, एज यंग पीपल, कि अगर मिलके हम इस पे काम करेंगे तो बेहतरी होगी। तो इसका सिंपल फॉर्मूला जो है कि हमें कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करना है। घर को इंस्टीट्यूशन समझें, स्कूल को इंस्टीट्यूशन समझें, मस्जिद को इंस्टीट्यूशन समझें, और इन तीनों इंस्टीट्यूशन को हमने मिला के यंग बच्चे के मफाद के लिए काम करना है। अगर ये तीनों इंस्टीट्यूशन मिलके काम करेंगे तो हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, अच्छे से अच्छी जगह पे पहुंचेंगे, और उसके लिए वो अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकेंगे, खानदान की ज़िंदगी बेहतर कर सकेंगे और माशरे को बेहतर कर सकेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। एक और अच्छे मेहमान के लिए एक और रोल मॉडल के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। थैंक यू।